ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की पड़ताल। बिहार में पुरानी पेंशन योजना पर कई मांगों को लेकर बिहार राज्य अराजपत्रित संघ के कर्मचारियों ने हर जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में आज आरा में भी बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना और अन्य कई मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इन कर्मचारियों ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर बताया कि पुरानी पेंशन योजना सहित जो भी कर्मचारी संविदा पर हैं उनको नियमित करना उनकी प्रथम मांग होगी। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों की रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आरा समरणालय पहुंचकर समाप्त हो गई। यह विशाल प्रदर्शन बिहार सरकार और केंद्र सरकार के मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ में, साथ साथ पुराना पेंशन बिहार में लागू करने के लेकर के और जितने भी हमारे बिहार में संविदा मानदेय कर्मचारी हैं सबको नियमितीकरण के सवाल पर और राज्य स्तरीय 11 सूत्री डिमांड, जिसमें केंद्र के अनुरूप में मकान भत्ता बिहार में भी लागू हो और तमाम संविदा कर्मियों को नियमितीकरण किया जाए, सरकारीकरण का दर्जा दिया जाए और पुराना पेंशन लागू किया जाए। कहां से कहां ये प्रदर्शन होगा, कहां पर घेराव करेंगे आप लोग? ये प्रदर्शन अभी नहर तहसील कार्यालय आरा से निकला है और विभिन्न मार्गों से होते हुए हम जिलाधिकारी के समाधानालय के समक्ष जाएंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे और फिर वो प्रदर्शन हमारा सभा में तब्दील होगा और वहां मंच हम चलाएंगे। कौन कौन संगठन आज इस रैली में? इस महासंघ के साथ 22-23 संगठन है, जिसमें आपका किसान सलाहकार PRS और सूबेदार दफ्तर, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, मलेरिया छिड़काव कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी, शिक्षक प्राथमिक शिक्षक गोपुर सहित 22-23 संगठन हमारे महासंघ के साथ में आज बैनर तले हैं और सबकी एक ही मांग है कि पुराना पेंशन लागू करो, अनुबंध मानदेय कर्मियों को नियमित करो और मकान भाड़ा केंद्र के अनुसार मकान भाड़ा दो, अन्यथा आगे की रणनीति बनाकर हम कल लोग हर जोर जुल्म के